नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। जी हां, बात करने जा रहे हैं क्वाड समिट की, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के पहले दिन शनिवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर पहुंचे थे। यहां वे भारतीय समयानुसार देर रात करीब 1:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ उन्होंने क्वाड समिट में वो शामिल हुए। बैठक के बाद क्वाड लीडर्स के फोटोशूट में बाइडेन से अमेरिकी चुनाव के बाद संगठन के अस्तित्व को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर जो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा। समिट के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया संघर्षों से घिरी हुई है, ऐसे में क्वाड का साथ मिलकर चलना बेहद जरूरी है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक हमारी प्राथमिकता है, क्वाड साझेदारी और सहयोग के लिए है और यह संगठन लंबे समय तक बना रहेगा, यह दावा पीएम मोदी ने किया। आपको बता दें कि साल 2007 में क्वाड बनाया गया था, जो कि एक सुरक्षा सहयोग संगठन है। क्वाड का मकसद हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना और चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करना है। इस संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। सबसे खास बात यह भी है कि क्वाड समिट में इस साल भारत में ही ये समिट होनी थी, लेकिन अमेरिका की रिक्वेस्ट पर इसे होस्ट करने का मौका जो बाइडेन को दे दिया गया और अगले साल इस समिट की मेजबानी भारत की तरफ से ही की जाएगी। पर इस समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्वाड सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अगले साल पीएम मोदी क्वाड समिट की मेजबानी करेंगे और मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं। क्वाड का इतिहास लंबा नहीं है, यानी यह परंपराओं में बंधा नहीं है। हम जिस इंडो पैसिफिक का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। वहीं जो बाइडेन ने बैठक में कहा कि हम लोकतांत्रिक देश हैं जो जानते हैं कि काम कैसे पूरा करना है। मैंने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही क्वाड को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए आपसे संपर्क किया है। आज 4 साल बाद हम रणनीतिक तौर पर पहले से कहीं अधिक एकजुट हैं। और इसके बाद बाइडेन ने क्वाड देशों के कोस्ट गार्ड के बीच सहयोग बढ़ाने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि अब से क्वाड की तरफ से दी जाने वाली फेलोशिप में साउथ ईस्ट एशियाई देशों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि समिट से पहले पीएम मोदी ने शनिवार रात राष्ट्रपति जो बाइडेन से डेलावेयर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की थी, जहां जो बाइडेन ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया और इसके बाद दोनों के बीच करीब 1 घंटे द्विपक्षीय बैठक हुई। बाइडेन ने पीएम मोदी के यूक्रेन और पोलैंड दौरे की तारीफ भी की। इसके अलावा बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया। दोनों नेताओं के बीच ड्रोन डील पर भी बात हुई है। बाइडेन ने भारत के साथ इस डील का स्वागत किया। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है। इस ड्रोन की कीमत करीब $3 बिलियन है। इससे पहले जब फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे, तब यूएस ने भारत को $3.99 अरब की अनुमानित लागत वाले 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन बेचने की घोषणा की थी। और आइए अब समझ लेते हैं कि आखिर क्या है भारत अमेरिका की ड्रोन डील। इस डील के तहत अमेरिका भारत को 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्योरेंस हेल ड्रोन देगा, जिसमें इंडियन नेवी को 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को इस ड्रोन के 8 स्काई वर्जन मिलेंगे। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि विदेश विभाग ने भारत सरकार को $3.99 अरब की अनुमानित लागत वाले रिमोट संचालित MQ-9B ड्रोन और उससे जुड़े सभी उपकरण की बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। इससे भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध और मजबूत होने के आसार हैं। अब यह भी जानिए कि क्या है 9B प्रीडेटर ड्रोन्स। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन एक मानव रहित विमान है। ये ड्रोन रिमोट से संचालित किए जाते हैं। MQ-9
बी के कुल दो वर्जन हैं, सी गार्जियन और स्काई गार्जियन। ये ड्रोन जमीन से लेकर आसमान और समंदर से लॉन्च किए जा सकते हैं। MQ-9B ड्रोन को प्रीडेटर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हथियार से लैस होते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्योरेंस हिल की कैटेगरी में आते हैं और 40 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भी भर सकते हैं, जो बड़ा समय है। बहरहाल MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स की सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए टारगेट को दूर से ही खत्म किया जा सकता है। इन ड्रोन्स की रेंज 1850 किलोमीटर तक है। एक तरीके से भारत के हाथों में ये ड्रोन आने के बाद इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान से ज्यादातर उसके शहर नई दिल्ली की जद में होंगे। MQ-9B ड्रोन 2177 किलो का पुलेट अपने साथ ले जा सकता है। इन ड्रोन्स में लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइलें लगी होती हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक ये प्रीडेटर ड्रोन सर्च और रेस्क्यू से लेकर लॉ एनफोर्समेंट, बॉर्डर एनफोर्समेंट और काउंटर अटैक जैसे मिशन में काम आते हैं। अमेरिका लंबे समय से जमीन से लेकर हवा तक अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करता रहा है। साल 2022 में अमेरिका ने अलकायदा के खूंखार आतंकवादी अयमान अल जवाहरी को काबुल में इन्हीं ड्रोन्स के जरिए ही मार गिराया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात के बाद अमेरिका भारत को 297 पुरातात्विक अवशेषों को लौटाने पर भी राजी हो गया है। ये वस्तुएं तस्करी कर US ले जाई गई थी और वहां की म्यूजियम का ये हिस्सा थी। रिकॉर्ड की मीटिंग में इंडो पैसिफिक इलाके में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ने के खतरे पर भी चर्चा हुई। क्वाड मेंबर्स ने कैंसर से निपटने के लिए एक साथ आने पर सहमति जताई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हर साल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में करीब 1.5 मिलियन महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है। हम आगे इन्हें अब और नहीं होने देंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 4 करोड़ वैक्सीन मुफ्त देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है और भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन विकसित की है और इस विशेषज्ञता को दूसरे देशों से साझा करने के लिए भी वो तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान वन अर्थ वन हेल्थ का फॉर्मूला भी दिया। इसके साथ ही 7.5 मिलियन डॉलर की सैंपलिंग किट, डिटेक्शन किट जैसी चीजें भी देने की घोषणा की। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की, लेकिन एक और हैरान करने वाली घटना सामने आई और वो ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मोदी के अमेरिका पहुंचने के चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस ने खालिस्तान समर्थकों की मेजबानी की है। तो ये थोड़ा सा चिंता में डालने वाली वजह जरूर है, लेकिन अगर हम क्वाड समिट की बात करें तो ये ज्यादातर ऐसे मुद्दों पर रही जिनका जुड़ाव भारत से भी है और क्वाड से जुड़े जो देश हैं उनसे जुड़ा भी है और इसके फायदे भविष्य में भारत को हो सकते हैं। दूसरा, भारत भी ऐसे मुद्दों पर दूसरे देशों के, खासतौर से क्वाड देशों की का जरूरतें या उनका समर्थन कर सकता है जिनकी उन्हें जरूरत है।